सबसे पहले हमने एक पैन में दही लिया है, अब इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी को हम इसमें मिलाएंगे। इस सूजी को हम भिगोने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। दोस्तों जब तक हमारा इडली बैटर रेडी होता है तब तक हम नारियल की चटनी बनाते हैं। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ी सी दाल ली है, इसको हमने पहले भिगो लिया था ये चने की दाल। थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है हमने, इससे अच्छा टेस्ट आता है। मिर्ची ले ली है, दो मिर्ची काटी है हमने, इसके अंदर डाल दी है। और मैंने, अगर आप चाहें तो नारियल भी ले सकते हैं, और मैंने इसके लिए नारियल को भुना कर लिया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चम्मच नमक हमने इसमें डाला। अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी नारियल की चटनी रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसमें तड़का लगा के भी खा सकते हैं। तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तो मैं आपको तड़का दिखाती हूँ। इसको निकाल लेती हूँ, चलिए आइए हम तड़के को रेडी करते हैं। हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, इस तेल को हम गर्म होने देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम मस्टर्ड सीड यानी राई डालेंगे। हरी पत्ती डालेंगे, इसमें हम लाल साबुत लाल मिर्च, इसको हम पकाएंगे। आप इसे ज्यादा रोस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से पकाएं, वरना आप इसे ऐसे डालें। अब हम इसमें चटनी में डाल देंगे। अब इसे आप इस मिर्ची को चाहे तो इसमें रख सकते हैं, वरना आप इसे अलग भी कर सकते हैं, वरना ये टेस्ट खराब करेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी हो गया है, अच्छे से भीग गया है, ये फूल भी गया है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे, बारीक कटी हुई मिर्ची, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर। हमने इसमें खीरा भी लिया है, आप चाहें तो शिमला मिर्ची भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन वेजिटेबल्स को फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनसे कच्चा ही लिया है ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी लगे और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा इनो पाउडर, ताकि अच्छे तरह से सॉफ्ट बैटर बने इसका। इसमें मिर्ची डालेंगे, मैंने इसमें दो चम्मच मिर्ची डाली। अगर आपको थोड़े से और क्रंची स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें और मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसे मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी है, हम इसे अब रेडी करते हैं। अब हमारे बैटर में तड़का लगाएंगे। ये हमारा तेल गरम हो रहा है, इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे।
चीज़, इसमें मीठी नींद डाल। अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें तड़का लगाएं, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अब हम इस बैटर को अप्पे के साथ चूर लेंगे। थोड़ा सा ग्रीस कर लिए, हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है वरना ये बाहर आ जाएंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इस ढक्कन को हटा के देखेंगे कि हमारे एक साइड से अप्पे पक गए हैं कि नहीं। अब हम इसे पलट देंगे। एक साइड से देखिए हमारे अप्पे कितने अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। हम इस पे थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देंगे ताकि अच्छे से दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो इसे बिना तेल के पका सकते हैं। अब हम इसे एक साइड से और पकाएंगे, अच्छे से ढक देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारे अप्पे बन के तैयार है। ये देखिए हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे।